चलिए, हमने एल्जेब्राइक मेथड तो कवर कर लिया, एल्जेब्राइक मेथड टू सॉल्व बूलियन फंक्शंस। आगे हम देखते हैं, जो हमने ट्रूथ टेबल मेथड मैंने आपको बताया था कि हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने बूलियन फंक्शंस को, देखते हैं कि वो ट्रूथ टेबल होता क्या है और हमें उसे यूज कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। ट्रूथ टेबल, इस मेथड में हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं हम उनको 0 और 1 असाइन करते हैं और कॉन्सिक्वेंटली उनकी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलेगी उसे ढूंढते हैं। तो जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम ए और बी की सारी वैल्यूज लिखेंगे, ए और बी। ए की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? 0, 1। बी की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? 0, 1। बट इनके और भी पेयर्स बन सकते हैं, जैसे कि ए अगर 0 हो और बी 1, अगर ए 1 हो और बी 0, तो हमारे पास ऐसे चार पेयर्स आ गए जिसका हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए और बी, ए एंड बी, या फिर जो भी हमें एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करवाना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कैसे पता होगा कि मुझे चार मेरे पास रोज आएंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास अभी चार रोज आए हैं, तो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर चार रोज आए हैं? मेरे पास कोई सपना तो आया नहीं होगा। तो ये पता करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 raised to the power n। तो जो ये 2 raised to the power n का फॉर्मूला है, ये हमें बताता है कि हमारे ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ रोज इन ट्रूथ टेबल इक्वल्स 2 raised to the power n। अब n क्या है? यहां पर n है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एन एन रिप्रेजेंट करते हैं हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास दो वेरिएबल थे, तो 2 raised to the power 2 हो गया, जो कि होता है 4, इसलिए मुझे पता था कि उसमें 4 रोज आएंगी। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हुए तो 2 to the power 3, हमारे पास 8 रो आएंगी। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अगर मेरे पास 2 to the power 4 है तो 16 आएंगी, एंड सो ऑन। तो अब हमें यह तो पता चल गया है कि ट्रूथ टेबल के अंदर हमारे पास रोज में क्या होगा और कॉलम में क्या होगा, जो कि हर एक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। हमें ये जानना होता है कि उसकी रोज क्या रिप्रेजेंट करेंगी और उसका कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले वाला ही एग्जाम्पल एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, ताकि हमारे पास एक कंपैरिजन ड्रॉ हो जाए कि हम एक बूलियन फंक्शन को एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं और फिर
उसको एक ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहले फंक्शन था, पहला हमारा फंक्शन जो आज हमने डिस्कस करा था एग्जांपल में, वो था एफ ऑफ ए बी इक्वल्स ए और बी एंड ए प्राइम और बी प्राइम। इसका हमने सोल्यूशन निकाल लिया था यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग अ ट्रूथ टेबल। तो यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं? दो। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सिर्फ चार रोज बनेंगी यूजिंग द फॉर्मूला 2 to the power n, और यहां पे n है 2। तो सबसे पहले कॉलम में हम लिखते हैं a, फिर b, फिर a प्राइम, b प्राइम, a और b, a प्राइम और b प्राइम, और फिर हमारे फंक्शन की वैल्यू। हमारा फंक्शन क्योंकि ये पूरा है और मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए बस एक f से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप चाहें तो यहां पर इसको पूरा भी लिख सकते हैं। और कितनी रोज होंगी? चार रोज होंगी। एक, दो, तीन, और ये चार। तो आपको अब समझ आ ही गया होगा कि हमें अपने कॉलम्स में इन सबकी वैल्यूज को भरना है, ए बी ए प्राइम बी प्राइम ए और बी एंड सो ऑन। और हमारी जो रोज हैं, ऐसे रोज जो हमारी जा रही हैं, इनमें हम इनके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करके लिखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ए और बी, ए की क्या वैल्यू हो सकती है अभी? 0 1 0 1। बी में हम लिखते हैं 0 1 1 0। तो अब आपको इसमें यह चेक करना है कि आप कहीं दो पेयर्स को रिपीट तो नहीं कर रहे, कहीं यहां पर दो पेयर्स रिपीट हो रहे हैं 0 0 1 1 0 1 1 0। आप कहेंगे 0 1 और 1 0 तो एक ही चीज है, ऐसा नहीं है। यहां पर a की वैल्यू 1 है और यहां पे b की वैल्यू 0 है, बट यहां पर थर्ड वाले में a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है, दोनों में फर्क है। आप और आपको ये याद रखना है, आपको इन डिफरेंसेस को भी काउंट में लेना है। अब अगर हम यहां पर 1 0 की जगह 0 1 कर देते तो क्या होता? हमारे ये दो सेट रिपीट हो जाते। यहां पे भी 0 0 था, यहां पे भी 0 0 था, यहां पे भी 1 1, यहां पे भी 1 1। हमने इसको अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारे पास यूनिक पेयर्स आए, अब याद रखिएगा आपको हमेशा यूनिक पेयर्स ही बनाने हैं, वो यूनिक पेयर्स बनाने के लिए हमने थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया। तो अब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ए प्राइम की क्या वैल्यू होगी? ए अगर 0 है तो ए प्राइम है 1, अगर ए 1 है तो बी प्राइम 0, अगर ए 0 है तो फिर से 1 और ये 0, अगर अब बी 0 है तो बी प्राइम 1, बी 1 है तो बी प्राइम 0, बी 1 है तो बी प्राइम 0, बी 0 है तो बी प्राइम 1। आप ये टेबल मेरे साथ साथ भरते जाइए, इस टेबल को भरना और समझना एक एक्सरसाइज होगी आपके लिए भी साथ साथ।
अब ए और बी की क्या वैल्यू होगी? जीरो। अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज को याद कीजिए, जीरो और जीरो इज इक्वल टू जीरो, और इसकी वैल्यू आएगी वन, इन दोनों की वैल्यू आएगी वन, और यहां पे भी ए और बी की वैल्यू आएगी वन। अब ए प्राइम और बी प्राइम सॉल्व करते हैं। यहां पे आएगा वन। अब देखिएगा, मैं या इन दोनों कॉलम्स को यहां पे ला रहा हूं, फिर मैं पहले मैं इन दोनों कॉलम्स को यहां पे इक्वेट कर रहा था, फिर इन दोनों कॉलम्स को यहां पे इक्वेट कर रहा हूं। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बीच में कॉलम क्यों खड़ा हुआ है। तो वन वन वन, जीरो जीरो जीरो, वन जीरो वन, ये भी वन। ठीक है, अब फंक्शन की क्या वैल्यू होगी? फंक्शन के लिए हमें इन दोनों कॉलम्स का एंड लेना है, एंड ये डॉट रिप्रेजेंट करता है एंड, तो हम सिंपली एंड ले लेंगे। तो जीरो वन, जीरो एंड वन इज इक्वल टू जीरो, वन एंड जीरो इज इक्वल टू जीरो, वन एंड वन इज इक्वल टू वन, वन एंड वन इज इक्वल टू वन। तो अब हमारे पास हमारे फंक्शन की वैल्यू है गिवन एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, ए और बी। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि ए प्राइम और बी प्राइम भी तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो मतलब हमारे पास चार वेरिएबल्स हो गए, ऐसा नहीं है। ए प्राइम और बी प्राइम अपने आप ए और बी से डिराइव होते हैं, क्योंकि वो उनका नॉट है, उनका कॉम्प्लीमेंट्री है वो। तो इसीलिए हमारे पास बस दो वेरिएबल्स हैं, और इन दो वेरिएबल्स की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए हमारे पास इस फंक्शन की हर एक पॉसिबल वैल्यू है। तो अब हमने अपना इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा खत्म कर लिया। अभी जो हमने ट्रूथ टेबल पढ़ा था, आप उसको अगले एग्जांपल के लिए भी कीजिएगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि उसके अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल थे, ए बी और सी। तो हमारे पास 2 to the power 3 विच इज इक्वल टू 8 रोज आएंगी। तो आपको वो टेबल बनाना है 8 रोज के लिए। तो अब पहला चैप्टर बूलियन अलजेब्रा का, इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा, में हमने तीन मेन चीजें पढ़ी थी। वो तीन मेन चीजें थी एलिमेंट्स, ऑपरेटर्स एक्सियम्स, थ्योरम्स। ये तीनों चीजें हम पहले ही कवर कर चुके थे, और आज हमने पढ़ा चौथा, रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्यूशन। तो ये सब चीजें करने के बाद आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके पास कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे और उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे।
हम सॉल्व करने के लिए एल्जेब्राइक मेथड यूज करते हैं और रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रूथ टेबल, और जो तीसरा मेथड है यूजिंग लॉजिकल गेट्स एंड सर्किट्स, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप ये रिवाइज कीजिएगा और सारे एक्सियम्स और थ्योरम्स को याद रखिएगा। स्टॉप।